सबसे गुजारिश करूंगा जोरदार ताड़ियों से स्वागत किया जाए जिनका काफी देर से इंतजार था। हमारे जम्मू कश्मीर कांग्रेस के इंचार्ज भरत सिंह सोलंकी साहब, उनके लिए भी जोरदार ताड़ियां बजाई जाए। उनके साथ हमारे ज्वाइंट जो सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, इंडिया लाइन से हमारे उम्मीदवार वो भी आ गए हैं, उनका भी जोरदार ताड़ियों से स्वागत किया जाए। और जितने भी कांग्रेस के नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस के एक दूसरे की हमेशा मदद करते रहे, ये हमारा भाग्य ऊंचा है। सोलंकी साहब, ये भाग्य ऊंचा है कि माता वैष्णो के दरबार से अलायंस की रूह होती है ग्रास रूट लेवल पे, दोनों पार्टियों के भरकर को एकमुट हो जाए। और एकमुट क्यों उड़ा है? क्योंकि दुश्मन बहुत खतरनाक है। दुश्मन के इरादे नेक नहीं मेरे भाइयों। 2019 और 2024 के बीच में मैं ये कहना चाहता हूं कि एकमुट हो जाइए रियासत के दर्जे को। ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये लगना है। और इसके साथ साथ जो भी हमसे छीना गया है, कमेटी मैं यहाँ जितने भी लोग यहाँ आए हैं सारे मुझे जानते हैं, और मंच पर जितने लोग बैठे हैं ये भी मुझे जानते हैं। मैं समाज सेवी हूँ और एज ए समाज सेवा यहाँ मैं जितनी यहाँ लेबर बैठी है, जितने लोग बैठे हैं, ये इस चीज की गवाह है, हाथ खड़ा करके बताएंगे कि अब तक मैंने जब भी काम किया है समाज के लिए किया है और अच्छे काम के लिए हम आगे बढ़े हैं। मैं भरत सिंह
डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट प्रीतम सिंह जी, मुंशीराम सुलालिया जी, विजय शर्मा जी, और जोरदार तालियों से भरत सिंह सोलंकी साहब जो जम्मू कश्मीर कांग्रेस वेलकम कीजिए। सुनील हाँ जी फोन कर रहा हूँ। अच्छा करो स्कूल हूँ आप सब साथियों का, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता हूँ, नेता हूँ, कांग्रेस के कार्यकर्ता हूँ। आज मैं आपसे रूबरू हो सका हूँ और आज के इस दिन में माता वैष्णो देवी के चरणों में आप लोगों से अपील करने के लिए आया हूँ कि कांग्रेस और एनसीके और इंडिया अलायंस के उम्मीदवार के तौर पे आपसे समर्थन चाहता हूँ कि हाथ के निशान पे बटन दबाए। मेरे साथियों ने बातें की, जगजीवन लाल जी ने बातें की, हमने तो 2014 के बाद सिर्फ जुल्म बर्दाश्त किए हैं भाजपा के, जो जन विरोधी नीतियां भाजपा ने जम्मू कश्मीर में लाई है। आज एक एक करके जब सारे लोगों ने भाजपा को पूरा समर्थन दिया, एमएलए बनाए, पीएमओ हाउस में एक आदमी रख दिया जो बिल्कुल भाजपा का एक बहुत ही चाहता था, लेकिन इतनी ताकत देने के बाद हमें क्या हासिल हुआ? जिस रियासत के तीन तीन प्रधानमंत्री रहे हों, मेयर चंद महाजन, बख्शी साहब, शेख अब्दुल्ला साहब, आज जम्मू की पहचान कहां पर रखी, जम्मू कश्मीर की पहचान कहां पर रखी? हमारे सारे लोगों को खून के आंसू भाजपा ने रुलाए हैं। आज इसीलिए त्रिकुटा पहाड़ियों में आपके बीच में माता रानी का आशीर्वाद लेने के लिए कि आप सब लोगों का समर्थन मिले, हम भाईचारे की ताकतों को मजबूत करें, चाहे नौजवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे विधवा लोग हो, चाहे गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग, जिनका राशन 35 किलो से 4 किलो तक कर दें, वो सरकार को निकालना जरूरी है। जोड़े वाले हों, पिट्ठू वाले हों, रोग में भी बातें करें, सिख नहीं बातें करें, मैं आपसे दावे से कहता हूं कि जब विपक्ष यहां पे आएगा, आप लोगों के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाते हुए आपको उस मंदिर तक पहुंचाएगा। हम लोग इसलिए चाहते थे, मसला हमें पार्टी का समर्थन भी है और आप लोगों के साथ की भी जरूरत है, लेकिन आप दिल से समझे इस वक्त हिंदुस्तान को बचाने की जरूरत है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की जरूरत है। क्या हम जो पूरे मंच में लोग बैठे हैं, मैं कई बार मिसाल देता हूं कि हम जम्मू कश्मीर के ऐसे वासी हैं कि अमरनाथ यात्रा में लोग जाते हैं तो घोड़े वाला गुज्जर होता है और हिंदू आदमी उसके कंधों में बैठता है। माता वैष्णो देवी जी में यही मिसाल है, यह संस्कृति है, ये भाईचारे की ताकतों को मजबूत करना ये समय की गुबार है। और मैं समझता हूँ आज युवा वर्ग हो, बुजुर्ग हो, गरीब हो, सब जगह त्राई त्राई है और एक तूफान की तरीके से आंधी इनके बदलाव की चल चुकी है। कटड़ा से इसकी शुरुआत ही, आप सब लोग जो मेन रोड से आप लोगों का स्वागत करने के लिए यहाँ पे आए, सड़क के दोनों किनारे लोग थे, मैं दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा यहाँ पे करता हूँ, समय के ध्यान में रखते हुए कि आने वाले दिनों में बूथ को 26 तरीक को अपने वोट का इस्तेमाल करें और ताकि हम जल्द से जल्द अपने रियासत को वापस ले सके। यहाँ पे गवर्नर की जरूरत है, लेफ्टिनेंट गवर्नर की जरूरत नहीं, जो भाजपा ने हमें डिग्रेड किया आज उसका बदला लेने की जरूरत है, जमहूरियत को बहाल करने की जरूरत है। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि अपने दिल से जाके बूथ पे जाके जबरदस्त तरीके, कोई घर में यहाँ पे ना रहे, एक एक साथी उस चीज का हिसाब ले कि जिन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर में 3500 स्कूल बंद कर दिए, जिन्होंने जम्मू मंदिरों को, शहर को शराब की दुकानों में तब्दील कर दिया, इसलिए वोट देना जरूरी है कि यहाँ का पूरे लोग हम मिलजुल के यहाँ पे रहे, नौजवानों के जज्बात के साथ खड़े रहे, बुजुर्गों के जज्बात के साथ खड़े रहे। आज हर घर में यही मांग है कि फौरी तौर पर रियासत का दर्जा मिले और मैं समझता हूँ यही एक वजूहत होगी कि आप 26 तारीख को पोलिंग वाले दिन डट के पूरे परिवार के साथ बटन दबाएं और वो हौसले बुलंद करें जिसके सिलसिले में राहुल जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी, खड़गे साहब सड़कों में भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से न्याय मिले। जब न्याय संसद में नहीं मिला तो राहुल गांधी जी सड़कों पे आए और हम सबका फर्ज बनता है उनकी सोच को और बढ़ाए, गांधी जी की सोच को और बढ़ाए, ताकि पूरे मुल्क में जब हम सब लोग वर्ग के लोग इकट्ठे होकर करेंगे तो वहीं से खुशबू का मोल बनेगा, खुशगुवार मोल बनेगा और भारत की एकता और अखंडता के लिए हम कांग्रेस के लोग हैं, देश की एकता अखंडता के लिए हमारे कई कांग्रेस के दीक्षों ने कुछ शहादत देके
देश की एकता और अखंडता के लिए काम किया। जरूरत है इस बदलाव की और बदलाव के लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं। आपने बहुत जबरदस्त प्रोग्राम रखा सारे साथियों ने मिलकर, मैं यहां की मैनेजमेंट का, यहां जिन्होंने पूरा ऑर्गेनाइज किया, हमारे डीडीसी के मेंबर है, दूसरे हैं, पंच है, सरपंच है, तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं। शुक्रिया जाहिर, और उम्मीद करता हूं कि भारी तादाद में एक ही तरफ निशान यहां पे जाए, वो हाथ का निशान पे, और गठबंधन के जितने जम्मू कश्मीर के नुमाइंदे हो, हम दावे से कह सकते हैं डॉक्टर साहब, सोलंकी साहब, जितनी लहर है सब 6 की 6 सीटें जम्मू कश्मीर में वो गठबंधन को लाभ हो जाएंगी। तो करारा जवाब मिलेगा। जो करगिल के लोगों ने इनको आईना दिखाया, अब नेशनल स्तर पे हम इस माध्यम से भी, चुनाव के माध्यम से उनको आईना दिखाएंगे कि फिरका प्रस्तावों का सर उठाना, उसको कुचलना, हम तरीके से सियासी तौर पे कुचलेंगे और आप लोगों के जज्बात को उभारने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे। जो लोकल इश्यू आपने, आपके जज्बात के साथ, आपके सुर के साथ अपना सुर भी मिलाते हैं और वो तरीके से आवाज को बुलंद करने की हम गारंटी देते हैं। दूसरों की गारंटी नहीं, जो 15 लाख की थी, 2 करोड़ की थी, यह गारंटी है कि जो दिग्गज नेता आप लोगों के बीच में रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।